लक्ष्मी आदि देवियों की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं सामूहिक रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा का तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले लक्ष्मी की, फिर अन्य देवता के समुदाय की स्थापना का वर्णन करूंगा। पूर्ववर्ती अध्यायों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार मंडप, अभिषेक आदि सारा कार्य करें। तत्पश्चात भद्रपीठ पर लक्ष्मी की स्थापना करके 8 दिशाओं में 8 कलश स्थापित करें। देवी की प्रतिमा का घी से अभ्यंजन करके मूल मंत्र द्वारा पंचगव्य से उसको स्नान करावे। फिर हिरण्यवर्णा, हरिणिमह इत्यादि मंत्र से लक्ष्मी जी के दोनों नेत्रों का उन्मीलन करें। ताम आव इत्यादि मंत्र पढ़कर देवी के लिए मधु, घी और चीनी अर्पित करें। तत्पश्चात अक्षम पूर्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश के जल द्वारा श्री देवी का अभिषेक करें। ताम सोस्मिताम इस मंत्र को पढ़कर दक्षिण कलश से चंद्राम प्रभासाम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके पश्चिम कलश से तथा आदित्य वर्णे इत्यादि मंत्र बोलकर उत्तरवर्ती कलश से देवी का अभिषेक करें। उपायतु माम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके आग्नेय कोण के कलश से क्षुत्पी पासा मलाम इत्यादि मंत्र बोलकर नैऋत्य कोण में कलश के गंधम द्वारां दुराधर्षार्म इत्यादि मंत्र को पढ़कर वायव्य कोण के कलश से तथा मनसः कामामा कुतिमा इत्यादि मंत्र पढ़कर ईशान कोणवर्ती कलश से लक्ष्मी देवी का अभिषेक करें। कर्दमेन प्रजाभूता इत्यादि मंत्र से सुवर्णमय कलश के जल से देवी के मस्तक का अभिषेक करें। तदनंतर आपः सृजन्तु इत्यादि मंत्र से 81 कलशों द्वारा श्री देवी की प्रतिमा को स्नान करावे। तत्पश्चात श्री प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पोंछ कर सिंहासन पर विराजमान करें और वस्त्र आदि समर्पित करने के बाद आद्राम पुष्करणीम इस मंत्र से गंध अर्पित करें। आद्राम या करिणम आदि से पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद ताम आव जात वेदो इत्यादि मंत्र से और आनंद इत्यादि श्लोक से अखिल उपचार अर्पित करें। श्रायंती इत्यादि मंत्र से श्री प्रतिमा को शैया पर शयन करावें। फिर श्री सूक्त से सन्निधिकरण करें और लक्ष्मी श्रीम बीज श्रीम से चित्त शक्ति का विन्यास करके पुनः अर्चना करें। इसके बाद श्री सूक्त से मंडपस्थ कुंडों में कमलोत अथवा करवीर पुष्पों का हवन करें। होम संख्या एवं 1000 या 100 होनी चाहिए। ग्रहोपकरण आदि समस्त पूजन सामग्री आदिति श्री सूक्त के मंत्रों से ही समर्पित करें। फिर पूर्ववत पूर्ण रूप से प्रासाद संस्कार संपन्न करके माता लक्ष्मी के लिए पिंडी का निर्माण करें। तदनंतर उस पिंडिका पर लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करके श्री सूक्त से सन्निधिकरण करते हुए पूर्ववत उसकी प्रत्येक ऋचा का जप करें। मूल मंत्र से चित्त शक्ति को जागृत करके पुनः सन्निधिकरण करें। तदनंतर आचार्य और ब्रह्मा तथा अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों को भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, गौ एवं अन्नादि का दान करें। इस प्रकार सभी देवियों की स्थापना करके मनुष्य राज्य एवं स्वर्ग आदि का भागी होता है। विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि तथा पुस्तक लेखन विधि। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार विनीतानंदन गरुड़, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा और भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा भी उनके अपने अपने मंत्र से श्री विष्णु की ही भांति करनी चाहिए। इसका श्रवण करो। इस मंत्र से चक्र का पूजन करके वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालता है। ये नरसिंह भगवान का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह का मंत्र ये नरसिंह भगवान का मंत्र है अब मैं तुमको पाताल नरसिंह मंत्र का उपदेश करता हूँ। ये श्री हरि स्वरूपिणी नरसिंह विद्या है जो अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। त्रैलोक के मोहन श्री विष्णु की त्रैलोक के मोहन मंत्र समूह से प्रतिष्ठा करें। उसके द्विभुज विग्रह के वाम हस्त में गदा और दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा होनी चाहिए। यदि चतुर्भुज रूप की प्रतिष्ठा की जाए तो दक्षिणोधर्व हस्त में चक्र और वामोधर्व में पांचजन्य शंख होना चाहिए। उनके साथ ही एवं पुष्टि अथवा बलराम सुभद्रा की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री विष्णु वामन वैकुंठ हयग्रीव और अनिरुद्ध की प्रासाद में घर में अथवा मंडप में स्थापना करनी चाहिए। मस्त आदि अवतारों को जलशैया पर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण विश्वरूप रुद्रमूर्तिलिंग अर्धनारीश्वर हरिहर मातृकागण भैरव सूर्य ग्रह विनायक तथा इंद्र आदि के द्वारा सेवनिया गौरी चित्रजा और बलावला विद्या की भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथ की प्रतिष्ठा और उसकी लेखन विधि का वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वस्तिक मंडल में षड्यंत्र के आसन पर स्थित लेख लिखित पुस्तक विद्या एवं श्रीहरि का जजन करें। फिर यजमान गुरु विद्या एवं भगवान विष्णु और लिपिक लेखक पुरुष की अर्चना करें। तदनंतर पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनी का ध्यान करें और चांदी की दावात में लगी हुई स्याही तथा सोने के कलम से देवनागरी अक्षरों में 5 श्लोक लिखें। फिर ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करावें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। आचार्य विद्या और श्री विष्णु का पूजन करके लेखक पुराण आदि का लेखन प्रारंभ करें।
पूर्वत मंडल आदि के द्वारा ईशान कोण में भद्रपीठ पर दर्पण के ऊपर पुस्तक रखकर पहले की भांति कलशों से सेचन करें। फिर यजमान नेत्रों ने मिलन करके शैया पर उस पुस्तक का स्थापन करें। तत्पश्चात पुस्तक पर पुरुष सूक्त तथा वेद आदि का न्यास करें। तदनंतर प्राण प्रतिष्ठा पूजन एवं चरुहोम करके पूजन के पश्चात दक्षिणा से आचार्य आदि का सत्कार करके ब्राह्मण भोजन करावे। उस ग्रंथ को रथ या हाथी पर रखकर जन समाज के साथ नगर में घुमावे। अंत में गृह या देवालय में उसे स्थापित करके उसकी पूजा करें। ग्रंथ को वस्त्र से आवेष्टित करके पाठ के आदि अंत में उसका पूजन करें। पुस्तकवाचक विश्व शांति का संकल्प करके एक अध्याय का पाठ करें। फिर गुरु कुंभ जल से यजमान आदि का अभिषेक करें। ब्राह्मण को पुस्तक दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोदान, भूमिदान और विद्यादान ये तीन अतिदान कहे गए हैं। ये क्रमशः दोहन, वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से द्वार खोल देते हैं। उद्धार कर देते हैं। मसी लिखित पत्र संचय का दान विद्यादान का फल देता है और उन पत्रों की एवं अक्षरों की जितनी संख्या होती है दाता पुरुष उतने ही हजार वर्षों तक विष्णु लोक में पूजित होता है। पंचरात्र पुराण और महाभारत का दान करने वाला मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके परम तत्व में विलीन हो जाता है। कुआं, बावड़ी और पोखरे आदि की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की विधा श्री भगवान कहते हैं ब्रह्मन अब मैं कूप, वापी और तड़ाग की प्रतिष्ठा की विधि का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। भगवान श्री हरि ही जल रूप से देवश्रेष्ठ सोम और वरुण हुए हैं। संपूर्ण विश्व अग्निशोममय है। जल रूप नारायण उसके कारण है। मनुष्य वरुण की सौर्ण, रौप्य और रत्नमयी प्रतिमा का निर्माण करावे। वरुण देव द्विभुज, हंसारूढ़ और नदी एवं नालों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में नागपाश सुशोभित होता है। यज्ञमंडप के मध्य भाग में कुंड से सुशोभित वेदिका होनी चाहिए और उसके तोरण पूर्व द्वार पर कमंडलु सहित वरुण कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह भद्रक दक्षिण द्वार, अर्धचंद्र पश्चिम द्वार तथा स्वस्तिक उत्तर द्वार पर भी वरुण कलशों की स्थापना आवश्यक है। कुंड में अग्नि का आधान करके पूर्णाहुति प्रदान करें। ये तेषत वरुण आदि मंत्र से स्नान पीठ पर वरुण की स्थापना करें। तत्पश्चात आचार्य मूल मंत्र का उच्चारण करके वरुण देवता की प्रतिमा को वहीं पधरा कर उसमें धृत का अभ्यंग करें। फिर शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से उसका प्रक्षालन करके शुद्ध बाल, सर्वशुद्ध वालो आदि से पवित्र जल द्वारा उसे स्नान करावें। तदनंतर स्नान पीठ की पूर्वादि दिशाओं में 8 कलशों का अधिवासन स्थापन करें। इनमें से पूर्ववर्ती कलश में समुद्र के जल, आग्नेय कोणवर्ती कुंभ में गंगा जल, दक्षिण के कलश में वर्षा के जल, नैऋत्य कोण वाले कुंभ में झरने के जल, पश्चिम वाले कलश में नदी के जल, वायव्य कोण में नद के जल, उत्तर कुंभ में औदिज्य सोते के जल एवं ईशानवर्ती कलश में तीर्थ के जल को भरें। उपर्युक्त विविध जल न मिलने पर सब कलशों में नदी के ही जल को डालें। उक्त सभी कलशों को व्यासा राजा आदि मंत्र से अभिमंत्रित करें। विद्वान पुरोहित वरुण देव का सुमित्रिया आदि मंत्र से मार्जन और निर्मच्छन करें। चित्रम देवानाम तथा तच्चशु देवरहितम इन मंत्रों से मधुर त्रय शहद, घी और चीनी द्वारा वरुणदेव के नेत्रों का उन्मिलन करें। फिर वरुण की उस सुवर्णमयी प्रतिमा में ज्योति का पूजन करें एवं आचार्य को गोदान दें। तदनंतर समुद्र ज्येष्ठा आदि मंत्र के द्वारा वरुण देवता का पूर्ण कलश के जल से अभिषेक करें। समुद्रम गच्छ इत्यादि मंत्र के द्वारा अग्निकोणवर्ती कलश के गंगा जल से, सोमोधेनु इत्यादि मंत्र के द्वारा दक्षिण कलश के वर्षा जल से, देवी रापो इत्यादि मंत्र के द्वारा नैऋत्य कोणवर्ती कलश के निर्जल जल से, पंचनद्य आदि मंत्र के द्वारा पश्चिम कलश के नदी जल से, उद्दिभटय इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्तरवर्ती कलश के उभिद जल से और पावमानी ऋचा के द्वारा ईशान कोण वाले कलश के तीर्थ जल से वरुण का अभिषेक करें। फिर यजमान मौन रहकर आपोहिष्टा इस मंत्र के द्वारा पंचगव्य से, हिरण्यवर्णा श्री सूक्त के द्वारा स्वर्ण जल से, आपो आसमान मंत्र के द्वारा वर्षा जल से, व्याहृतियों का उच्चारण करके कूप जल से तथा आपो देवी मंत्र के द्वारा तड़ाग जल एवं तोरणवर्ती वरुण कलश के जल से वरुण देव को स्नान करावे। वरुणस्यो नस्तंभय मसी मंत्र के द्वारा पर्वतीय जल अर्थात झरने के पानी से भरे 81 कलशों द्वारा उसको स्नान करावे। त्वम नो अग्ने वरुणस्य इत्यादि मंत्र से अर्ध प्रदान करें। व्याहृतियों का उच्चारण करके मधुपर बृहस्पते अति अर्धो मंत्र से वस्त्र, इमं मे वरुणः इस मंत्र से पवित्रक और प्रणव से उत्तरी अर्घ समर्पित करें। वरुण सूक्त से वरुण देवता को पुष्प, चमर, दर्पण, छत्र और पताका का निवेदन करें। मूल मंत्र से उत्तिष्ठ ऐसा कहकर उत्थापन करें।
उस रात्रि को अधिवासन करें। वरुण वाह इस मंत्र से सन्निधिकरण करके वरुण सूक्त से उनका पूजन करें। फिर मूल मंत्र से सजीवीकरण करके चंदन आदि द्वारा पूजन करें। मंडल में पूर्ववत अर्चना कर लें। अग्निकुंड में समिधाओं का हवन करें। वैदिक मंत्रों से गंगा आदि चारों गवों का दोहन करें। तदनंतर संपूर्ण दिशाओं में यवन निर्मित चरु की स्थापना करके होम करें। चरु को व्याहृति गायत्री या मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य प्रजापति दिव अनंतक निग्रह पृथ्वी देहधृति स्वधृति रति रमति उग्र भीम रौद्र विष्णु वरुण धाता रास्यपोष महेंद्र अग्नि यम निरिक्ति वरुण वायु कुबेर इश अनंत ब्रह्मा राजा जलेश्वर वरुण इन नामों का चतुरंत रूप बोलकर अंत में स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करें। इदम विष्णु तदम विप्रासो इन मंत्रों से आहुति दें। सोमो धेनुम मंत्र से 6 आहुतियां देकर इमम में वरुण मंत्र से 1 आहुति दें। आपोहिष्टा आदि 3 ऋचाओं से तथा इमारुद्र इत्यादि मंत्र से भी आहुतियां दें। फिर 10 दिशाओं में बलि समर्पित करें और गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिमा को उठाकर मंडल में स्थापित करें तथा गंध पुष्प आदि एवं स्वर्ण पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः उनका पूजन करें। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य 8 दिशाओं में 2 वित्तीय प्रमाण के जलाशय और 8 बालुकामयी सुरम्य वेदियों का निर्माण करें। वरुणस्य इस मंत्र से धृत एवं यवनिर्मित चरु की पृथक पृथक 108 आहुतियां देकर शांति जल ले आवे और उस जल से वरुण देव के सिर पर अभिषेक करके सजीवीकरण करें। वरुण देव अपनी धर्मपत्नी गौरी देवी के साथ विराजमान नदी नदों से घिरे हुए हैं, इस प्रकार उनका ध्यान करें। ओम वरुणाय नमः मंत्र से पूजन करके सानिध्यकरण करें। तत्पश्चात वरुण देव को उठाकर गजराज के पृष्ठ देश आदि सवारियों पर मंगल द्रव्य सहित स्थापित करके नगर में भ्रमण करावे। इसके बाद उस वरुण मूर्ति को आपोष्ठा आदि मंत्र का उच्चारण करके त्रिमधुयुक्त कलश जल में रखें और कलश सहित वरुण को जलाशय के मध्य भाग में सुरक्षित रूप से स्थापित कर दें। इसके बाद यजमान स्नान करके वरुण का ध्यान करें। फिर ब्रह्मांड संघी का सृष्टि को अग्निबीज रंग से दग्ध करके उसकी भस्म राशि को जल से प्लावित करने की भावना करें। समस्त लोक जलमय हो गया है ऐसी भावना करके उस जल में जलेश्वर वरुण का ध्यान करें। इस प्रकार जल के मध्य भाग में वरुण देवता का चिंतन करके वहां युग की स्थापना करें। युग चतुष्कोण अष्टकोण या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई 10 हाथ की होनी चाहिए। उसमें उपास्य देवता का परिचायक चिन्ह हो। उसका निर्माण किसी यज्ञ संबंधी वृक्ष के काष्ठ से हुआ हो। ऐसा ही युग कूप के लिए भी उपयोगी होता है। उसके मूल भाग में हेममय फल का न्यास करें। वापी में 15 हाथ का, पुष्करणी में 20 हाथ का और पोखरे में 25 हाथ का युपकाष्ठ जल के भीतर निवेशित करें। यज्ञ मंडप के प्रांगण में युप ब्रह्म आदि मंत्र से युप की स्थापना करके उसको वस्त्रों से आविष्टित करें तथा युप के ऊपर पताका लगावें। उसका गंध आदि से पूजन करके जगत के लिए शांति कर्म करें। आचार्य को भूमि गौ सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणा में दें। अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और समागत जनों को भोजन करावे। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो जल पिपाशु हैं वे इस तड़ाग में स्थित जल के द्वारा तृप्ति को प्राप्त हों, ऐसा कहकर जल का उत्सर्ग करें और जलाशय में पंचगव्य डालें। तदनंतर आपोहिष्टा इत्यादि 3 ऋचाओं से ब्राह्मणों द्वारा संपादित शांति जल तथा पवित्र तीर्थ जल का निक्षेप करें एवं ब्राह्मणों को गोवंश का दान करें। सर्वसाधारण के लिए बेरोक टोक अन्न वितरण का प्रबंध करावे। जो मनुष्य 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा जो 1 बार भी जलाशय की प्रतिष्ठा करता है उसका पुण्य उन यज्ञों की अपेक्षा 1,000,000 गुना अधिक है। वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर विमान में प्रमुदित होता है और नरक को कभी नहीं प्राप्त होता है। जलाशय से गौ आदि पशु जल पीते हैं, इससे कर्ता पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य जलदान से संपूर्ण दानों का फल प्राप्त करके स्वर्ग लोक को जाता है।